I can't believe it, Ranveer. ये सचमुच हमारा घर है। अभी तो ये मकान है, घर तो तुम इसे बनाओगी। इसे जो कुछ भी बनाएंगे ना, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। थैंक यू सो 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 मच रणवीर, थैंक यू। हम दोनों मिलकर इसे घर बनाएंगे और माँ इसे स्वर्ग बना देंगी। माँ को फोन करता हूँ। अजी सुनिए, सुनाइए जी। कहाँ जा रहे हो जी सुबह सुबह? काम पे जा रहा हूँ जी, आप कहो तो मैं जाऊं। आज मत जाओ ना जी। मन तो नहीं कर रहा है जी, पर काम है, जाना पड़ेगा। सुनिए जी। सुनाइए जी। वो शाम को खाने में क्या क्या पसंद करेंगे जी? ज्यादा कुछ नहीं, पालक पनीर बना लो, दाल मखनी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, पनीर के टिक्के, गुलाब जामुन, खीर और इतना सब बता दिया, इसके बाद भी और बनाना है? यही सब बना बना के मर जाऊंगी मैं तो। सुहानी, आज के बाद मजाक में भी मरने की बात मत करना। सॉरी जी। चलो आओ। तुमने कहा था ना हम घर का सारा काम मिलकर करेंगे, तो तय हो गया। किचन का और इस पूरे घर का काम हम मिलजुल कर साथ में करेंगे, 50-50। दोनों काम पर जाएंगे, दोनों घर भी संभालेंगे साथ में। बस मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा पैम्पर करूंगा, मेरी वजह से इतना कुछ सहा है तुमने। वहां हमारा लिविंग रूम होगा, वहां हम रोज रात को बैठकर पॉपकॉर्न खाएंगे और एक रोमांटिक फिल्म देखेंगे। वहां हमारा बेडरूम होगा। आई प्रॉमिस, रोज सोने से पहले मैं तुम्हें अच्छी सी बुक पढ़कर सुनाऊंगा। और झगड़े के लिए, उसके लिए कौन सी जगह डिसाइड किया आपने? झगड़ों की इस घर में कोई जगह नहीं होगी, इस घर में सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। जिस दिन से हम इस घर में रहने आएंगे, उस दिन से लाइफ पिक्चर परफेक्ट होगी। अजी सुनती हो? हाँ। किस दुनिया में खो गई मुझे अकेला छोड़कर? उसी दुनिया में जो तुमने मुझे दी है। अब माँ को फोन लगाए? लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो। पापा, आपकी दवाइयों का डब्बा। अरे वाह ममता, इतने सालों में वक्त पर दवाइयां देना मुझे कभी नहीं भूली, लेकिन आज ये क्या? पापा, सारी मेडिसिन्स पे मैंने टैग लगा दिया है, टाइम टू टाइम आप सारी मेडिसिन्स खा लीजिएगा। देखो ममता, तुम मुझे इन चीजों में मत उलझाओ, तुम हो ना मेरी देखभाल करने के लिए। क्या हुआ, कहीं जा रही हो क्या? पापा, ये घर की चाबियां हैं। चाबियां? क्या मैं पूछ सकता हूं ये सब क्या हो रहा है? पापा मुझे माफ कर देना, ये सब मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है, लेकिन अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है पापा। पच्चीस सालों तक मैंने इस घर को संभाला, आपने मुझे बहुत मान दिया, सम्मान दिया पापा,
और मैंने भी इस घर की मर्यादा का पूरा मान रखा, लेकिन अब वक्त आ गया है पापा की मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं हमेशा हमेशा के। रणबीर ने अपने खुद का घर ले लिया है पापा, और मैंने डिसाइड कर लिया है मैं रणवीर के साथ ही रहूंगी। मैं जानता हूं विक्रांत ने बहुत गलतियां की है, लेकिन ये घर सिर्फ उसका ही नहीं है, तुम्हारा भी है। विक्रांत को आने दो, मैं उससे बात करूंगा। प्लीज फॉर गॉड सेक भाभी, अपना डिसीजन ना आप चेंज मत करना। कितनी मुश्किल से तो आपने डिसीजन लिया है, अब आप इस घर से जाओगी तो तभी तो मैं इस घर की चाबियां संभाल पाऊंगी, है ना भाभी? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे पापा, ना आप उनसे बात करेंगे ना मैं बात करूंगी, क्योंकि कोई फायदा भी नहीं है पापा। आप बस अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। नहीं ममता, नहीं, तू इतनी आसानी से अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती है। रणवीर, ये सब क्या है? मुझसे बिना पूछे इन लोगों ने तुम्हारे घर ग्लास कैबिनेट का सामान पहुंचाया था ना, बस उसी की सजा दे रहा हूँ। इतनी सजा तो बनती है भाई, हम कसम खाते हैं, हमें तो कोई आइडिया भी नहीं था कि सुहानी कल क्या रहा है। हम तो बस दोस्ती निभा रहे थे। सुहानी की दोस्ती निभा रहे थे और साथ में मेरी दोस्ती भुला रहे थे। रणवीर, इन बेचारों की कोई गलती नहीं है, सचमुच ग्लास कैबिनेट का पूरा आइडिया मेरा था। इन दोनों को तो कुछ पता भी नहीं था, सीरियसली भाई हमें क्या पता था कि सुहानी पे भी तेरा रंग चढ़ जाएगा यार, और हमें क्या पता था कि वो पागलपन में तुझसे भी चार कदम आगे निकल जाएगी। बताओ मेरा पागलपन। रणवीर प्लीज, नहीं ना प्लीज, अगर तुम जॉन और रघु को सजा दोगे तो तुम्हें मुझे भी सजा देनी पड़ेगी। रणवीर I'm sorry। सुहानी चलो उठो, दोनों उठ जाओ, माफ किया तुम दोनों को। सब क्या ममता जी, ये तो अच्छा भाऊजी का फोन आ गया मुझे, नहीं तो आप मेरे आने से पहले निकल जाती। सोचा कि जैसे आपने, वाकई बहुत देर कर दी मैंने सोचने में भी और फैसला लेने में भी। आप मुझे बार बार धोखा देते रहे, बार बार धोखा देते रहे, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप मेरे बेटे को भी धोखा दे रहे हैं। उसकी माँ का वास्ता देकर उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं आप विक्रांत जी, उसकी खुशी छीनना चाहते हैं आप। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने बेटी के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत घुट घुट के जी लिया मैंने, बहुत, अब मैं जीना चाहती हूँ अपने बेटे के साथ, उसकी खुशियों के साथ। मैं सोच भी नहीं सकता ममता जी, क्या आप मुझे इतना गलत समझती हैं? आपको क्या लगा कि मैं आपको तलाक देने वाला था? नहीं ममता जी, अरे मैं तो आपके बगैर जी भी नहीं सकता। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। मानता हूं उस रिश्ते को लेकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मानता हूं मैं,
लेकिन मैंने उस रिश्ते को, उस गलती को अपने दहलीज के अंदर नहीं आने दिया। और तलाक की धमकी अपने बेटे को मैंने इसलिए दी थी ताकि मैं उसे उस लड़की के चुंबन से बचा लूं। सच बोल रहा हूं मैं, बिलीव मी। अरे वो दोनों बाप बेटी मिलके हमारे बच्चे को फंसाना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहता था कि रणवीर उनके जाल में फंसे। अभी आप ही सोचिए ना ममता जी, एक बाप अपने जवान बेटी की जिम्मेदारी एक जवान लड़के को क्यों देगा? ये सिर्फ सिर्फ एक अमीर बाप के बेटे को फंसाने की साजिश है और कुछ नहीं। ट्रस्ट मी, सिर्फ गलती मेरी ये थी कि मैं अपने परिवार को जोड़ना चाहता था ममता जी, बिखरने नहीं देना चाह रहा था मैं अपने परिवार को। कुछ जरूरी काम छोड़कर आया था ममता जी, मैं जा रहा हूं फिलहाल। अगर मेरे आने से पहले आपने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। एंड आई मीन इट ममता जी। पापा, अंकल ये सब क्या है? इतना खाना किसके लिए बन गया? ये सब हमारा रिटायरमेंट प्लान है बेटा। टिफिन सर्विस शुरू कर रहे हैं हम लोग। मैंने सोचा अकी सुधा जी के हाथ का खाना कब तक मैं ही अकेला खाता रहूंगा। दुनिया वालों को भी तो पता लगे कि हमारी सुधा जी के हाथ के बने खाने में कैसा जादू है। क्या आप भी? अगर ये रिटायरमेंट प्लान है तो ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ अंकल। मैं आपकी टिफिन सर्विसेज को सोशल मीडिया पर, कॉलेजेस में, हर जगह प्रमोट करूंगा, और आप अपनी टिफिन सर्विस मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करिएगा। पर एक शर्त है मेरी, मेडिकल स्टूडेंट्स को 10% डिस्काउंट देना होगा आपको। भाई इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर के हाथ में है, जैसा वो कहे। बोलो सुधा जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। फिर तो ये मेडिकल स्टूडेंट भी आपकी मदद करेगा। दादी वो चाकू पास करिए, सब्जी काटनी है। हैं? ए की कह रहा, इतने बड़े घर का बेटा होके सब्जी काटेगा? की कल करता है नहीं। एक बात बताइए दादी, ये कौन सी किताब में लिखा है कि बड़े घर का बेटा सब्जी नहीं काट सकता? भूख तो बड़े घर के बेटे को भी उतनी ही लगती है जितनी की बाकी के लोगों को लगती है। और अगर खाना खाना आता है तो खाना बनाना भी तो आना चाहिए। लाइए चाकू पास करिए। ला। बस दुआ करो कि हमारा ये काम जल्दी से सेट हो जाए ताकि सुहानी के नर्सिंग होम के लिए मैं पैसे जोड़ना शुरू कर दूं। मैं चाहता हूं कि उसका कोर्स पूरा होने से पहले ही सारे पैसों का इंतजाम हो जाए बस। पापा, मेरे डॉक्टर बनने में अभी काफी टाइम है। डॉक्टर नहीं बेटा, दुनिया का बेस्ट डॉक्टर। पगली भूल गई रणवीर क्या कहता है तेरे बारे में? हाँ पापा, मैं दुनिया की बेस्ट डॉक्टर बनूंगी। शाबाश। माँ, सामान पैक करके रणवीर के साथ जाना होगा, बहुत सारा काम बाकी है। घर की पूरी पैकिंग करनी है, रास्ते से ममता आंटी को भी लेना है, बहुत कुछ काम करना है। जाओ बेटा, खुश रहो, मर्यादा में रहना। आप ही सोचिए ममता जी, दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो कॉलेज में पढ़ रही जवान लड़की की जिम्मेदारी एक जवान लड़के के हाथ में सौंपते। अगर मेरे आने तक आपने सारा सामान अंदर नहीं रखा और अपना फैसला नहीं बदला तो मैं अपनी जान दे दूंगा।
भाभी 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 कहाँ खोई हुई हैं आप? अभी विक्रांत भाई सबको देखा, बहुत गुस्से में जा रहे थे। ऑल ओके भाभी? भाभी कहीं आपको भी मेरी तरह रणवीर की चिंता तो नहीं हो रही ना? भाभी सुहानी ने ना रणवीर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। हमें रणवीर को सुहानी के साथ अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने उसको अकेले छोड़ा वो तो पूरी तरह उसका हो जाएगा ना। भाभी हमें ना किसी भी तरह रणवीर के आसपास बने रहना चाहिए। भाभी आपको तो पता है ना कि हमारा रणवीर कितना जिद्दी है। ऊपर से वो लड़की तो उसे यहाँ पर आने भी नहीं देगी। भाभी आपको रणवीर की रक्षा करने के लिए ना उसके पास जाना होगा। और रही बात यहाँ की, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगी, मैं हूं ना, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये क्या बोल रही हैं आप? आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप रणवीर और सुहानी के रिश्ते को सपोर्ट कर रही हैं। नॉट एट ऑल रिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं तो भाभी को वहां पर इसलिए भेज रही हूँ ताकि वो दोनों एक ना हो पाए। और वो चलाक लोमड़ी, मेरा मतलब वो चलाक लड़की रणवीर को अपने बस में ना कर ले। भाभी आपको ना वहां पर जाना चाहिए, और अगर आप वहां जाएंगी तो हमें उम्मीद होगी ना कि रणवीर वापस आ जाएगा, है ना भाभी? हेलो डैड। हाँ रिया बेटा, कैसी हो बेटा? कैसी होंगी डैड, रणवीर सुहानी और ममता आंटी एक साथ मूव इन हो रहे हैं, और आप होगी, आप रिलैक्स होकर बैठे हैं। तू भी रिलैक्स होकर बैठ जा बेटा, क्योंकि अब तेरे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकलने वाला है। ये रहे तुम्हारे 10 लाख रुपए, और काम पूरा होते ही इतने ही और मिलेंगे। पर हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जग्गू का निशाना ना आज तक चुका है न चुकेगा। और हाँ, पैसे आप तैयार रखिएगा, आपको काम की खबर 1 घंटे में मिल जाएगी। वेरी गुड। सॉरी सुहानी, पर तुम्हारी लव स्टोरी का दी एंड बहुत ही ट्रेजिक होने वाला है। हाँ माँ। हाँ अंश, कहाँ है तू? अंश रणवीर घर छोड़ के जा रहा है और ममता भी कहीं जाने की बात कर रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या चल रहा है। माँ बस ये समझ लीजिए कि हमारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। दोस्त और दुश्मन मिलकर के आपको उस घर की मालकिन बनाने के पीछे लगे हुए, और आप उस घर की मालकिन बन के रहेंगी। कंग्रेचुलेशंस माँ। ये सब क्या है सुहानी? अब तो हक बनता है तुम्हारा। मतलब? मतलब कि अब तो बाइक पे बैठना सीख जाओ यार।